आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ और आप लोग देख रहे हैं एबी न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची से मिलवाया जा रहा हूँ जो कि अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत अच्छी सी आवाज़ दी है, और आज हम लोग इससे पूछते हैं कि इसको कब से और कैसे ये सिंगिंग का शौक़ पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपका नाम? माय नेम इज़ फातिमा नूर और आई एम अ सिंगर ऑफ द बलोचिस्तान। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताता चले कि आपको कब से और कैसे ये सिंगिंग का शौक़ पैदा हुआ। मुझे बचपन से शौक़ था सिंगर बनने का। मेरी आवाज़ बचपन से बहुत अच्छी थी, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, आगे तक लेके जा रही है, और मैं और मेरी फैमिली कह रही है आपका शौक़ है और वो आप पूरा करो। बलूचिस्तान जैसे माशरे में, बलूचिस्तान जैसे हालात में, तो आप मतलब आपको क्या क्या मुश्किल दरपेश हुए जो आप ये सिंगिंग करें? मैं सिंगिंग करती हूँ और जब मैंने स्टार्ट लिया, हमारे अपने रिश्तेदार में अपने रिलेटिव्स की बात करती हूँ, वो लोग कहते थे नहीं, मेरे पेरेंट्स को कहते थे अच्छा नहीं है, इसे इस फील्ड में मत जाने दो, बच्ची अभी तक ये वो, पर मेरी फैमिली ने बोला ये आगे बढ़ना चाहती है, इसका शौक़ है और हम पूरा करेंगे, और वो मेरा शौक़ पूरा कर रहे हैं। और मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा पेश आई कि हमारे अभी रिश्तेदार छोड़ चुके थे जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, और अब जब मैं बड़ी स्टार बनने जा रही हूँ तो वो सारे रिलेटिव्स और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सारे मुझे मिलने आते हैं। मिस, आप हमारे यूथ को, हमारे जो बलूचिस्तान की वुमेन है उसको क्या पैगाम देना चाहती हूँ? मैं यही कहती हूँ कि आप लोग बाहर निकलें, अपना टैलेंट बाहर निकालें, और हुकूमत को चाहिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ सब लड़कियाँ लड़के जिन्हें शौक़ है सिंगर का, उन्हें शौक़ है, वो स्टेज पे जाके अपना क्या नाम है खुल के इजहार कर सकें कि हमने क्या बनना है, और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस पेश करें।